हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी बाइट्स बाय अर्चना में। और आज मैं फिर से एक बार आ गई हूँ। त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने बहुत मिठाई खाई, मोदक खाए, सब कुछ खाया, तो अब कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा चलिए बनाती हूँ दही बड़े। तो ये दही बड़े जो मैंने बनाए बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही माउथ वाटरिंग है, इतना चटपटा और बढ़िया सा टेस्ट आता है। उसके लिए मैंने उड़द की दाल रात में ही भिगा दी थी धुली हुई, वो करीब 2 कटोरी थी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग डालिए। उड़द की दाल भीगी हुई ली है, उसको जार में डाला है और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर रफली चॉप करके डाल दिया है। 2 हरी मिर्च डाली हैं और डाला है 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच जीरा। इन सब का एक फाइन सा बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से कुछ बिल्कुल भी दानेदार नहीं है, ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया है हमारा बनकर। अब इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको मैंने 1 कटोरे में निकाल लिया, उसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं खाने वाला मीठा सोडा, जिससे ये बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। और इनको वैसे आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, और मैंने बीटर का यूज़ किया है। इस तरह से जब इसको फेंटेंगे तब इसमें एक एयर जनरेट होगी, और जिसके वजह से ये बहुत ही फ्लफ़ी और फूले फूले जालीदार बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए ये फेंट कर रख दिया है, अब हम दही तैयार करते हैं दही बड़े का। तो दही मैंने बहुत ही कम खट्टा वाला अच्छा दही लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा भुना हुआ, 1/2 चम्मच नमक, और इसमें डाला है पुदीने का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इन सब को फेंट करके रख देंगे साइड में। फिर मैंने लिया है हल्का गुनगुना पानी और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, और इसको भी मिक्स करके साइड में रख देंगे। कढ़ाई में तेल गरम करके इस बैटर की बॉल्स बनाकर उनको फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको उलट पलट कर फ्राई कीजिए बढ़िया सा। देखिए ये फूल कर बिल्कुल डबल हो गए हैं, हमने कितनी छोटी सी बॉल्स डाली थी, फूल कर डबल हो गए हैं। अभी जब इनको हम पानी और दही में डालेंगे तब ये और भी फूलेंगे, तब फिर एक्चुअल साइज़ इनका निकल कर आएगा। तो इनको निकालने के तुरंत बाद इनको इस पानी में डालना है, जो पानी हमने नमक मिलाकर रखा था। इसके बाद इसको देखिए हल्का सा इसको दबाकर पानी इसका निचोड़ देंगे और इसको वापस दही में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो अंदर से थोड़ा सा अगर ड्राई रहेगा, एक तो ये ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हम गरम गरम अगर दही में डालेंगे तो दही फटने का भी डर रहता है। तो इनको इस तरह से डालने से दही फटने का डर नहीं रहता है और अंदर से सूखापन भी नहीं रहेगा दही बड़े में। इस तरह से इसको हल्का सा पानी निचोड़ कर डाल दीजिए बहुत बढ़िया। और इनको आप पानी निचोड़ करके बिना दही में डाले हफ्ते भर तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं ड्राई, और जब भी आपका मन करे तभी आप इनके ऊपर से दही डाल करके इंस्टेंट दही बड़े की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे दही बड़े दही में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, दही से कोट करके इनको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक कि ये सारा दही एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे बड़े। और इसके बाद फिर हम चलते हैं 1 घंटे बाद देखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फूल गए हैं, इसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डालकर लाल मिर्च, और जो भी आप पसंद करते हैं, अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आलू भुजिया, हरी धनिया, हरी मिर्च, जो भी आप चाहें सब कुछ डाल सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और जो मीठा खाने के बाद एक अच्छा चटपटा और खाने का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय।